हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अरफान सबीरा ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ के साथ हम सब भी ठीक हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 o'clock। तो हमारा यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो गया है। सुबह उठते ही हमने चाय पी लिया, फिर उसके बाद बच्चे भी उठ गए थे लेट से थोड़ा, फिर हमने नाश्ता किया। तो नाश्ते में आज हमने खाया है मूसली और क्या क्या, हाँ मैंने घर झाड़ू और पोछा कर लिया, फिर मैंने नहा लिया, बच्चों को भी नहला दिया है आज सुबह सुबह ही, क्योंकि अभी आयान का एग्ज़ाम चल रहा है तो सुबह सुबह ही नहला देती हूँ दोनों को। आयान का 12 o'clock से एग्ज़ाम है, तो आज है कनाडा इंग्लिश एक हो गया है और सोशल साइंस हो गया है, कल है इंग्लिश सेकेंड इंग्लिश सेकेंड पेपर है, फर्स्ट पेपर हो गया है, तो आज है कनाडा। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कनाडा हम किसी को भी नहीं आता है, आयान को भी थोड़ा बहुत पढ़ लेता है पर इतना नहीं, और मुझे तो थोड़ा भी नहीं आता है, इनको भी नहीं आता है, गूगल से थोड़ा देख लेते हैं पर सब कुछ नहीं आता है, पर देखते हैं क्या होता है। हाँ, स्मार्ट मिल जाए तो वही बहुत है, बाकी सब्जेक्ट में तो अच्छा ही मिला है। 25 मार्क्स का हुआ था, तो पहले दिन हुआ था 25 मार्क्स का, तो फर्स्ट मतलब 12 से 12:30 तक हुआ था, फिर और एक था 12:40 से 1:10 तक। तो डेली ऐसे ही होता है, 10 मिनट का ब्रेक देते हैं। तो फर्स्ट सोशल साइंस में 25 मार्क्स में मिला था, कितना मिला था 22, और सेकंड सोशल में मतलब 25 तो टोटल 50 मार्क्स का हुआ है, तो सेकंड में मिला था 23, और कल इंग्लिश फर्स्ट पेपर था तो उसमें मिला था फर्स्ट पेपर में 24 और सेकंड पेपर में 23 शायद, या फिर 22, बताती हूँ आपको, रिज़ल्ट अभी तक नहीं दिया है, वैसे दिखा देते हैं गूगल में तो वो मैं बता रही हूँ, अभी तक रिज़ल्ट तो नहीं दिया है, पर आज का शायद क्या होता है देखते हैं। 25 मार्क्स, बस 0 नहीं मिलना चाहिए कनाडा में, 2-3 मिल जाए वो भी बस है, क्योंकि हमें नहीं आता है और मैडम को भी मालूम है और प्रिंसिपल को भी मालूम है, तो वो सब्जेक्ट में सिर्फ कंसिडर करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है और बताएंगे अभी क्या करेंगे। तो आज मैं अभी जा रही हूँ उसका, तो अभी थोड़ी देर बाद क्लास स्टार्ट होगा, तो मैंने थोड़ा सा कपड़ा धो लिया था, उसको बाहर ही सुखा लूँगी, ऊपर नहीं डालूँगी, क्योंकि थोड़ा ही है, हाथ से ही धो लिया था, और इन दोनों का भी नहलाना हो गया, तो इनाया आई है, आओ सबको हाय बोलो, एक बार हाय बोलो, हाय बोलो, मुँह से बोलो हाय, हाय ऐसे बोलो हाय, जाओ खेलो भाईजान के साथ। तो दोनों खेल रहे हैं अभी, तो 12 o'clock होगा स्टार्ट, तो मैं कपड़ा सुखा लूँगी और एक वीडियो अपलोड करना था, देखते हैं एडिटिंग भी करना है, वो कर लूँगी मेरे दूसरे चैनल के लिए, और बाकी क्या करूँगी देखूँ। हाँ, आज मैं चिकन बनाने वाली हूँ, करी चिकन मसाला, करी मसाला होता है ना, जो साबुत मसाला है उससे ही बनाऊंगी, तो देखते हैं क्या होता है। तो रेसिपी मैं दूसरा चैनल में अपलोड करूंगी, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, और दिखाते हैं क्या कैसे बनता है, शायद उसके साथ दाल और चावल बना लूँगी बस, और बताती हूँ आगे क्या होता है दिन भर। तो अभी मैं बना रही हूँ खड़े चिकन मसाला, दाल हो गया है, अभी चावल चढ़ा दिया है कुकर पे ही, हो जाएगा, और ये कम से कम अभी और आधा घंटे में हो जाएगा। तो अभी बज रहे 1:50, तो हम लोग वैसे भी देर से खाते हैं, और ये बनाने के टाइम ही मेरे साथ थोड़ा सा हादसा हो गया है, थोड़ा सा तेल गिर गया था हाथ पे, तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा, ये हाथ पर भी था पर ये हाथ से काम कर रही हूँ तो पानी में चला गया, तो मैंने तुरंत ही टूथपेस्ट लगा दिया था, तो वही लगा हुआ है। टूथपेस्ट लगाने से थोड़ा अगर मतलब जो बबल्स आता है ना वो नहीं आएगा और जलेगा भी नहीं आपका, थोड़ा सा ठंडा लगेगा, इसलिए कभी भी गर्म तेल या फिर कुछ भी हाथ जल जाता है ना, तो आप हाथ या फिर कहीं पे भी तुरंत आप आइस क्यूब या फिर ठंडा पानी मत डालिए, तुरंत आप टूथपेस्ट लगा लीजिए, तो देखिए कितना अच्छा काम करता है। तो मेरा खाना चिकन मसाला बन के रेडी है, तो बच्चों को खाना दूंगी, दोनों को खिला दूंगी, आयान बोल रहा है मम्मी खिला दो, तो दोनों को एक ही प्लेट में खिला दूंगी, तो निकाल लूंगी चावल को, तो
बच्चे यहाँ पे चिंचन देख रहे हैं, वही आवाज आ रहा है। और ये तो गए हैं जिम को, अभी आएंगे थोड़ी देर बाद। प्लेट रेडी है, मैं आपको दिखा रही हूँ चिकन मसाला कैसे बनाना है। तो ये है हमारा खड़ा चिकन मसाला, अभी बनाइए। और मेरे दूसरे चैनल में है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये मैंने खाना निकाल लिया है, चावल, प्लेन दाल और खड़ा चिकन मसाला। तो मैं अभी अयान से रिव्यू लेने वाली हूँ चिकन कैसा बना था, तो पूछते हैं अयान कैसा था चिकन। बहुत अच्छा था और टेस्टी भी था। सच में? हाँ। अच्छा लगा? हाँ। इनायत कैसा लगा चिकन जान, यम्मी था? तो अभी ये लोग खाना खा के छुपा चुप्स खा रहे, कुछ ना कुछ चॉकलेट तो चाहिए बच्चों को। हर रोज नहीं देती हूँ, कभी कभार दे देती हूँ। तो ये आएंगे अभी, अभी हुआ है 2:40। और हम सब इनका वेट कर रहे हैं, तो अभी आएंगे ये जिम से, तो इनको एक सरप्राइज देंगे। ऐसे मतलब सरप्राइज मतलब कुछ गिफ्ट नहीं है, ऐसे ही मजाक करेंगे, देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है उनका। आपने बनाया खाना, टेस्ट करी? हां, आइए आपका इंतजार था। तो इन दोनों ने मिलके बिस्तर को पूरा क्या बना के रखा है, देखिए पूरा पिलो से ट्रेन लाइन या फिर कुछ कुछ बना के रखा है। वो कुशन भी निकला है, मतलब मैंने वाटर पे रखा था, उनको भी निकाल लिया है खेलने के लिए। तो यहाँ पर इनाया ने ड्रेसिंग टेबल से तेल निकाल के पूरा हाथ में लगा लिया है, और कहाँ कहाँ गिराया है देखना पड़ेगा मुझे, कुछ ना कुछ ये दोनों मिलके काम बढ़ाता रहता है। तो इनका काम चल रहा था, मैं वहाँ पर ही बैठ के अपने दूसरे चैनल के लिए कुछ मतलब होम रेमेडी जैसे मतलब ब्यूटी टिप्स का हो, तो मैं वही मैं बना रही थी और साथ में ट्राई भी कर रही थी। और मैंने सोचा कि मैं लिख के भी रखी हूँ, क्योंकि किससे रिएक्शन होगा किससे रिएक्शन नहीं होगा, और किसी किसी का फेस सेंसिटिव होता है, किसी किसी का नॉर्मल, किसी किसी का ड्राई होता है, हर किसी का स्किन अलग होता है। तो इसलिए मुझे देखना पड़ता है कि ये मिक्स करूँगी तो इससे कोई रिएक्शन होगा या फिर कोई साइड इफेक्ट होगा, या फिर मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या बेनिफिट है, सब कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद ही मैं 2-3 बार अपने साथ ट्राई कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं अगर मुझे अच्छा लगा तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती हूँ, जिससे कि मतलब मेरे फ्रेंड्स को मतलब जो भी मेरे मतलब फैमिली मेम्बर है यूट्यूब के उनको कोई हानिकारक ना हो। तो इसलिए मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि अच्छा ही बनाऊँ और सबको बेनिफिट्स ही मिले और कोई भी साइड इफेक्ट ना मिले, तो वही कोशिश करती हूँ। तो वही उसके ऊपर ही बना रही थी, तो मैंने आज दो निकाला मतलब लिखा है, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो एक मैंने तो सोचा है कि मैं जो मतलब डेली जो मैं अपने साथ डेली मतलब अप्लाई करती हूँ, जैसे कि मतलब मॉर्निंग से नाइट केयर रूटीन मतलब स्किन केयर का रूटीन मतलब, तो मैंने सोचा वो शेयर कर लूँगी। पर सोच रही हूँ कि ये चैनल पर करूँ कि वो चैनल पर करूँ, देख रही हूँ वही। और नहीं तो मैंने और एक सोचा है कि गोल्ड फेशियल के लिए, मैंने पहले भी एक बताया है गोल्ड फेशियल मेरे दूसरे चैनल पर है, आप चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो वही देख रही हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इनका मीटिंग चल रहा है, तो वही बात कर रहे हैं, लोगों के साथ कॉल मीटिंग है, तो वही उसका ही आवाज आ रहा है। और आयन का कल है एग्जाम, क्या है आयन कल एग्जाम? इंग्लिश सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर? फर्स्ट पेपर। हाँ, तो सेकंड पेपर हो गया था परसों, कल है, तो देखते हैं कैसा होता है। आज हुआ है, आज मतलब कनाडा, मैंने पहले ही बताया था ना आपको सुबह में कि आज कनाडा है, पता नहीं क्या करेगा। तो 25 मार्क्स का दो बार हुआ था, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 12 से 12:30 तक 25 मार्क्स का आता है फर्स्ट पेपर, फिर सेकंड पेपर भी आता है जो 12:40 से होता है 1:10 तक। तो आज था कनाडा, और फर्स्ट पेपर में आयन को मिला है 25 से 28, लकीली कैसे मिला हमको नहीं पता। तो मैंने थोड़ा सा हेल्प किया था, नहीं किया नहीं, क्योंकि मैंने मैडम को पहले ही बता दिया था हमें नहीं आता है, तो देख लिया था, तो उसके हिसाब से क्या आई थी। और सेकंड पेपर में मुझे तो इतना नहीं आता है, इतना हेल्प करने के लिए थोड़ा बहुत कर लिया था मैंने, और सेकंड पेपर में मिला है 25 से 11, पर कोई बात नहीं, इतना ही काफ़ी है, कि ऐसा नहीं है क्या इतना कम मार्क्स क्यों मिला, तो और मेहनत करेगा तो नेक्स्ट टाइम मिलेगा। तो इस बार तो इतना मिला है हमारे लिए काफ़ी है, बाकियों में तो अच्छा ही मार्क्स आया है, कनाडा में सिर्फ मार्क्स थोड़ा कम आया है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा लैंग्वेज मतलब नहीं कि हम लोग यहाँ पर बेंगलोर में रहते हैं, तो इसलिए ये सब्जेक्ट है, सब सिटी में अलग अलग का मतलब लैंग्वेज है, तो हमने इसको इतना फोर्स नहीं किया। ट्यूशन देने वाले थे इस साल से, पर इस साल तो कोरोना हो गया, इसकी वजह से हो गया है, मत करो दोनों अच्छे से बैठो, तो इसकी वजह से रुक गया है। तो इसको भी इस साल स्कूल लेने वाले थे हम लोग, पर इसका भी स्कूल का स्किप हो गया है, तो अभी देखते हैं। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि नवंबर में लास्ट में इसके लिए पूछ के आएंगे, एडमिशन ले रहे कि नहीं ले रहे नर्सरी के लिए। अयान को तो हमने 2.5 साल की उम्र में ही दे दिया था, जब ये 2 साल के होके अगस्त में उसका हुआ था 2 साल, और 2 ईयर्स कंप्लीट किया था, और हमने नवंबर लास्ट में ही एडमिशन ले लिया था, और जनवरी 2nd वीक से ये स्कूल जाने लगा था।
प्ले स्कूल, मतलब जनवरी से मार्च तक, शायद हाँ मार्च तक इसने प्ले स्कूल में गया। फिर अप्रैल और मई तो बंद था, जून में मतलब लास्ट वीक खुल जाता है यहाँ पर बेंगलोर में, तो जून से खुला था शायद, नर्सरी में था ना, तो इसलिए जून से ये गया था फर्स्ट नर्सरी में, तो 3 महीने हुए था प्ले स्कूल में। फिर उसके बाद ही उसका 2 महीने हॉलीडे हो गया, फिर उसके बाद जून से इसको नर्सरी में दे दिया, तो ये 2.5 साल की उम्र में नर्सरी गया था। और इसका अभी सेप्टेम्बर में 3 ईयर्स हो गया, कम्प्लीट हो गया है, तो अभी ये 3 ईयर्स, अभी क्या है सेप्टेम्बर अक्टूबर, 3 ईयर्स मतलब 1 मंथ हो गया है, अभी नवंबर 6 आएगा तो 3 ईयर्स 2 मंथ होगी, तो देखते हैं नवंबर में हम लोग कोर्स के आएंगे कि एडमिशन हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो उसको भी दे देंगे, देखते हैं। हुआ तो ऑनलाइन ही होगा, अभी स्कूल तो खुला नहीं है, मैं दे दूँगी उसको, घर में तो पढ़ लेती है पर इतना कहाँ, घर में तो सबको पता ही होगा, स्कूल में देने से तो अच्छे से पढ़ेंगे, तो घर में ये ABCD पढ़ लेती है, फॉर एप्पल बी फॉर बॉल भी पढ़ लेती है, 1 से 10 तक पढ़ लेती है, 2 राइट्स याद है सिर्फ 2, क्योंकि रैंस इसको पसंद नहीं, देखना पसंद है पर पढ़ना पसंद नहीं, तो उसके लिए बुक्स लाना है, देखिए सैटरडे को ले जाना है रैंस का बुक्स, आयम का था पर इसने फाड़ दिया था, और क्या पढ़ लेती है, हाँ बर्ड्स नेम अच्छे से आता है, एनिमल्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, कलर्स नेम या फिर फ्रूट्स नेम, वो सब अच्छे से आता है, फ्लावर्स नेम सिखाना है अभी, और थोड़ा सा लिखने के लिए प्रैक्टिस कराना है इसको, है ना, है ना, हर शाम को भाईजान के साथ पढ़ लेती है, क्योंकि आयान पढ़ता है तो वो खुद ही आके बोलती है मम्मी मेरा बुक दो, मैं भी पढ़ूंगा ABCD का बुक दो, ऐसा करके मांगती है और खुद ही पढ़ लेती है, हिंदी भी है उसमें थोड़ा थोड़ा, एक दो ऐसे ही सिखा लेती हूँ, पर रोज नहीं। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, Harshi, your management and any issues count you have sent, right? Yeah, escalation is fine, right? 77 invalid and 27 invalid. Income meeting अभी भी चल रहा है तो वही आवाज आ रहा है अभी तक। Okay. तो मैं यहाँ पे दो लोगों के बात करें तो आप लोग देखिए। तो हाँ ये लेके आए थे बेकिंग सोडा। कुछ काम की लाई थी तो मैं ये जो ब्लैक हो रहा है ना इसके बनाऊंगी, लेके इसका भी वीडियो डालूंगी, डालूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। मेरी आवाज़ थोड़ा सा कम हो रहा है तो अभी मैं उतरने वाली हूँ बच्चों के नज़र, तो इसके लिए मैंने गिफ्ट पेपर लिया है, मैंने कोई भी न्यूज़ पेपर ले सकते हैं आप, सबका अलग अलग तरीका है, इसमें लूँगी थोड़ा सा राई सरसों, थोड़ा सा नमक, एक से दो नजर, सबका अलग अलग तरीका होता है नज़ल पढ़ने का, तो मेरा तरीका यही है, मतलब हम लोग जब छोटे थे ना, जब हम छोटे थे तो मेरी मम्मी भी मुझे ऐसे ही सरसों मस्त से मतलब नज़र उतरती थी या फिर लाल मिर्च से छोटे मिर्च में दिखाया पढ़ते, पर ये मैंने सीखा है अपने ससुर जी से, उनके पापा ने मुझे सिखाया था, तो मैंने सीखा है, तो हर रोज़ बच्चों को उतर लेती हूँ, कभी कभी मिस हो जाता है पर हर रोज़ ही उतरती हूँ। आप चाहे तो सिर्फ राय से भी उतर सकते हैं, बीच नहीं है तो भी चलेगा, पर मैं उसे डाल लेती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैं अभी गैस पे चला लूँगी, हमारे वहाँ पे तो मतलब जब मैं छोटी थी तो हमारे वहाँ पे चूल्हा होता है ना, जो लकड़ी से जलाते हैं तो उसमें ही जलाते हैं, और घर में जाते तो हम लोग मतलब साल में एक बार घर जाते तो मैं चूल्हा में ही जला लेती हूँ, तो ऐसे ही जलता है, पर गैस में इतने अच्छे से नहीं जल पाता है, पर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो चूल्हा नहीं है तो इसलिए गैस पर ही जलाना पड़ेगा। और अगर कभी भी आप ऐसे उतरते हैं ना नज़र तो ध्यान रखिए, क्योंकि गैस ऑन रहता है और चलता रहता है तो पास में ही रहिए और गैस को सीम में ही रखिए, तो यहाँ पे गैस को सीम में रखा था अभी थोड़ी देर के लिए, सिर्फ लास्ट में थोड़ा सा बच गया था ना, तो उसको जलाने के लिए मैंने गैस को खोल दिया था,
अभी हुआ है 9:45, इनका काम चल रहा है रोज के जैसा। तो ये आज लग रहे एकदम हैंडसम हीरो, रोज ही लगते हैं पर आज ज्यादा। मैं हैंडसम हूँ मुझे पता है वो। यहाँ पर है आयान और इनाया, टीवी देख रहे हैं दोनों। तो ये लोग देख रहे हैं लिटिल सिंगम। इनाया 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 यहाँ। क्या देख रही हो टीवी पे? क्या देख रही हो? बोलो बोलो। देख रही हूँ लिटिल सिंगम। थोड़ा सा लाइट का इशू है इसमें क्योंकि रखने के लिए जगह नहीं है में, और मेरा स्टैंड है ना वो टूट गया है तो इसके कारण से हो गया है टूट के थोड़ा सा दिन। तो अभी बज रहे हैं रात के 10:15 साइड या 10:20 हुआ है। तो इन दोनों का खाना खा के हो गया है तो अभी हम खाएंगे ये थोड़ा 10:30 बजे ब्रेक लेंगे 10:30 को। और आयन थोड़ा सा पढ़ रहा है क्योंकि कल है एग्ज़ाम। और यहाँ पे मैंने इनाया को अच्छे से मुँह हाथ धुला दिया है और अभी इसको बाल थोड़ा सा कोम कर लेती हूँ। वैसे तो अभी ये नहीं सोएगी, ये तो सोएगी 11:30। फिर पीछे खड़ी हो तो यहाँ से दिखाओ, लाइट नहीं आ रही। हाँ तो यहाँ पर लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सबको दिखा देती हूँ। ना आपको डूब जाओ, पीछे जाओ थोड़ा सा। ये इसका नाइट ड्रेस है, ये और ये है स्लीवलेस फ्रॉक, तीन चार है जो मैं सेंस करके वही पहनाती हूँ और इसको वही कंफर्टेबल रहता है। और मैंने यहाँ पे बिस्तर बिछा दिया है रात को सोने के लिए, तो बिस्तर को अच्छे से मैं एक बार झाड़ लेती हूँ सोने से पहले। और पीछे जो आप लोगों को वो वॉल डेकोर दिखाई दे रहा है तो ये मैंने घर पे ही बनाया था, कार्डबोर्ड से बनाया था जो सर्कल शेप में है। उसमें मैंने बुकरम शीट लगा के थोड़ा सा पेंटिंग किया था। और जो ड्रीम लिखा है उसको भी मैंने कार्डबोर्ड से ही बनाया था कट करके, और उसमें एक ले कलर से कलर किया था सब में मैंने। और बाकी ये जो है वो एक स्टिक था मेरे पास, नॉर्मल स्टिक तो लकड़ी का, उसमें मैंने ऊन को लगा दिया है कलर में येलो, और टेसल बना के ऐसे वॉल हैंगिंग जैसा बना दिया है। और भी बनाना है, थोड़ा सामान लेके आना है तो इससे लगाऊंगी, पेंटिंग भी करना है घर को। तो देखते हैं कब करेंगे, अभी तो फ़िलहाल नहीं है। किचन का कर लिया है हमने लास्ट मंथ,
सिर्फ हॉल और बेडरूम का करना है, लेकिन ये लेकिन बेडरूम फिर भी ठीक है, वहाँ आप कॉर्नर में ही थोड़ा सा करना है, बाकी सब ठीक है। पर हॉल में है ना पूरा गंदा है ना, मैंने पेंसिल से पूरा लिख दिया है। तो ये खेल रही है ना यहाँ पर, आइस कहाँ पर है ना, आइस आपका आइस कहाँ पर है, अच्छे से दिखाओ। हाँ नोज नोज हाथ नोज 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 कहाँ पर है, इनाय का नोज कहाँ पर है, नोज लिप्स टीथ टंग ईयर्स 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 फोरहेड फोरहेड फोरहेड, ये क्या फिंगर्स कहाँ है, फिंगर्स इनाय का फिंगर्स, वो तो फोरहेड है ना मम्मी का, जो हेयर बैंड लगाया ना ये क्या क्या कलर का हेयर बैंड कलर का, पिंक पिंक। और मम्मी ने जो टी शर्ट पहना है ये रेड रेड, और इनाय ने जो फ्रॉक पहना है ये क्या कलर का फ्रॉक है, ये क्या कलर है, ये ऑरेंज येलो येलो तो वहाँ पर है ना, ये क्या कलर है, ये क्या कलर है, ग्रीन ग्रीन गुड गर्ल, उसको कलर्स नहीं अच्छे से आता है, वाइट वाइट भी है। हाँ क्या लिखा है टी शर्ट में बताओ, बी हैप्पी बी ब्राइट बी यू, बोलो बी हैप्पी बी हैप्पी बी ब्राइट बी ब्राइट बी यू बी यू, बोलो बोलो ऐसे बोलो, हेलो दोस्तों बोलो, हेलो दोस्तों चॉकलेट दूंगी बोलो, हेलो दोस्तों बोलो, डॉक्टर कैसे हो, डॉक्टर कैसे हो, डॉक्टर कैसे हो, डॉक्टर दोस्तों तो ठीक है, कैसे हो बोलो, डॉक्टर 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 डॉक्टर। तो मेरा और इनका डिनर हो गया है और बर्तन भी धो लिया है मैंने, सब कम हो गया है, इनाय और आयान ने भी ब्रश कर लिया, तो अभी ये दोनों सोएंगे। तो अभी बज रहे हैं 11:20, तो इनाय भी सो जाएगी, सबको बोल दो गुड नाइट गुड नाइट। तो मिलते हैं कल एक नया व्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी हेल्दी, बाय 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 बाय, टेक केयर टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।